দাঁড়াও একটু দাঁড়াও, আজকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি আপনারা সবাই জানেন গুরু নানক দেবের 550তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান চলছে সারা দেশে এবং সারা বিশ্বে। এই উপলক্ষে আমাদের সংগঠন নিফা, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড ফোরাম অফ আর্টিস্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট এবং রাজ্যের একটি যুব সংগঠন যুব বিকাশ কেন্দ্র, তার যৌথ উদ্যোগে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সংগঠন নিফা গত 2 মাস আগে পাকিস্তানস্থিত নানকানা সাহেব, যেখানে গুরু নানক দেবের জন্মস্থান, ওখান থেকে একটা যাত্রা শুরু করেছিল, গুরু নানক সদ্ভাবনা যাত্রা। এই যাত্রার অঙ্গ হিসেবে আজ আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে উপস্থিত হয়েছি এবং ওনার স্ত্রী মাননীয়া নীতি দেব আজ আমাদের সঙ্গে বৃক্ষরোপণ করবেন। এবং এই বৃক্ষরোপণের মধ্যে দিয়ে আমরা রাজ্যে শান্তি, সদ্ভাবনা, ভাইচারা এবং গুরু নানক দেবের যেই পরিবেশ সম্বন্ধে ওনার যে একটা বার্তা ছিল সেই বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমার নাম দেবাশিস মজুমদার, আমি সংগঠনের রাজ্য সভাপতি। बोलने के लिए तो हमेशा ही बहुत कुछ रहता है, लेकिन आज क्योंकि बहुत शुभ दिन है, आज शुभ दिन इसलिए है क्योंकि मेरे हाथ में हमारे ननकाना साहब, हमारे जो गुरु नानक जी के जन्मभूमि है उसकी मिट्टी मेरे हाथ में है, तो एक पंजाबी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और उसमें 4 चांद लगाया है मेरे बंगाली भाइयों ने, बहनों ने, क्योंकि त्रिपुरा के इन भाई बहनों ने आज जो मुझे मेरे बेटे के जन्मदिन पे सौगात दिया है, ये अपने आप में बहुत प्यारा और बहुत सुंदर, दिल को छू जाने वाला एक तोहफा है जिसको शायद जीवन में मैं नहीं भूल पाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, इसी को कहते हैं कि हम डाइवर्सिटी जो है हमारी इंडियन कल्चर की, कैसे वो एक जगह इकट्ठी होके जुड़ के मिलती है, बनती है। हम इस ग्रुप में बंगाली हैं, ट्राइबल हैं, मैं हूँ, हमारे पंजाबी भाई जो कि बहुत कम संख्या में हैं त्रिपुरा में, फिर भी हैं। तो ये जो अपने आप में हमारी जो एक यूनिटी है, हमारे देश को, हमारे नेशन को जो स्ट्रांग बनाता है, ये वही एक ग्रुप है जहाँ जाति पंथ भेद से ऊपर उठ के हर एक को इज्जत दी जाती है, प्यार दिया जाता है। मैं तो बचपन से ही दोनों ही कल्चर में बहुत अच्छे से पली बड़ी हूँ। मेरे लिए जितना सिख का कल्चर रहा है, जो सिखिज्म हम जिसे बोलते हैं, उतना ही मुझे हिंदुइज्म भी मिला है, दोनों ही कल्चर मिले हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है, क्योंकि हमारी पंजाब की भूमि त्याग समर्पण के लिए जानी जाती है। हमारे जितने गुरु साहिब रहे हैं उन सब ने केवल और केवल देश के प्रति, देशवासियों के प्रति त्याग किया है। और मैं बस आज सच्चे वाहेगुरु से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका जो एक ब्लेसिंग का एक अंश है ना, वो भी मुझे मिल जाए और मैं उन्हीं की तरह अपने जीवन में भी त्याग और समर्पण और देश के लिए कुछ कर सकूं। इससे बड़ा गर्व की बात मेरे इस जीवन में कुछ नहीं होगी। धन्यवाद।